पंचमन जो समिति होती है या और भी त्योहार के संबंध में जो केंद्रीय समितियां बैठक करती है, तो बैठक में हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रतिनिधि जाते हैं अपनी बातों को रखते हैं। अगर टारसा मस्जिद के अगर इमाम साहब जाते हैं तो अपनी 10 समस्या रखते हैं, और विश्वास करिए जो मतलब कि जो देते हैं अधिकारियों के कि इनको समाधान करना है, इनको अपनी पूर्ति करना है, तो पूर्ति होती है और उनसे चीज़ों को बताया भी जाता है तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो हम लोग भी चाहते हैं, अयोध्या है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है फैजाबाद अयोध्या में, दोनों एक ही है, बट अयोध्या से बहुत कम ही लोग केंद्रीय मीटिंग में पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मीटिंग हमें हम लोग को भी निर्देश मुतवली हो तो सब लोग बात करते हैं, समस्या पूछते हैं, और जितना हद तक हो पाए हमारे शासकीय पुलिस विभाग की तरफ से उतना हम लोग सोचते कि कर दें, लेकिन कुछ एक ऐसी तकनीकी समस्या है जिनका समाधान जिले स्तर से नहीं हो पा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप लोग की तैयारी पूरे ईद के त्यौहार को लेकर होगी, ईद का दिन को लेकर होगी, घर में साफ सफाई तैयारी करना होगा, तो समझ लीजिए 8 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, आज से शुरू हो गया। अब आपको भी सोचना आ जाए कि हम लोग तैयारियाँ कर लें, खरीदारी कर लें, यहाँ रिश्तेदारों दोस्त सब लोग मौजूद है, और हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके का जब गोष्ठी हो तो सभी लोग आए और कुछ ना कुछ बात जरूर बताए अपने क्षेत्र की, चाहे वो किसी चीज़ से भी संबंधित हो। हम लोग यहाँ बैठते हैं किसी खास मकसद से बैठते हैं, सबके मन की बात समझना चाहते हैं, बात जानेंगे तो 100% उसका निराकरण होगा। देखिए आप लोगों के बीच में हमारे रेजिडेंट मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं, बहुत ही तेज तरह का अधिकारी रहे हैं, तहसीलदार रहे काफ़ी समय में हमारे फैजाबाद में, बड़े ही तेज तरह व्यक्तित्व के कारण जाने जाते हैं, ये अपनी सेवा आपको देंगे, रहेंगे त्यौहार आवाज पे। आज एक रोजा अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया गया है, हम आप सभी सम्मानित बंधुओं से कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे यहाँ पहुँच कर सभावेदारायण हासिल करें, और मैं बताना चाहता हूँ सफाई व्यवस्थापन महोदय से कि आज मोहल्ला सैयद द्वारा हमारे घर पर रोजा अफ्तार का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें आप साफ सफाई चूनाकारी का थोड़ा व्यवस्था कर दिए तो बड़ा मेहरबानी हो, और सर आप उस दिन हमारे क्षेत्र में सर यहाँ पूर्व में फातमा मस्जिद पड़ता हूँ, जल भराव रहता है, आपका अमीरुल भाई का घर है, कुआ एक पत्थर की पटिया है, कुआं तभी बड़ी महाराज जी का, उसको मिटवा दिया गया, उसको पानी भैया मस्जिद आना जाना रहता है, अभी हम वहाँ बात कर लेंगे नगर महाराज से। इसके अतिरिक्त जो भी समस्या हो, जैसा किसी साहब ने बताया, अगर इसके बाद भी कोई तात्कालिक समस्या कहीं कोई पैदा होती है, आप कृपया सूचित करें, चाहे किसी प्रकार की विवाद की स्थिति हो, चाहे पानी बिजली या किसी भी प्रकार की, और अमन चैन बनाए रखेंगे। अभी आज अलविदा की नमाज है, हो सकता है अगले शुक्रवार को भी हो, लेकिन फिलहाल तो अभी है, तो आप सबका समय कीमती है, आप लोगों ने इतना समय दिया, बैठक की गई है, इसमें प्रमुख समस्याएं क्या क्या आई हैं और इनका निस्तारण कितनी जल्दी होगा। आज यहाँ पर कोतवाली अयोध्या में उनके साथ और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ किस समिति की बैठक पूर्व निर्धारित समय के साथ से की गई, लोगों द्वारा जो समस्याएं उठाई गई उसमें जैसे मेरी मस्जिद के पास ड्रेनेज क्रॉसिंग है, वहाँ पे पानी भरा जा रहा है, सफाई नहीं होने की वजह से, फातिमा मस्जिद के पास जल भराव है, इसके अलावा बक्सरिया टोला रिमोचन के रास्ते में सड़कों पर गड्ढे हैं, इसकी लोगों ने कंप्लेन की है, तो वो अभी हमारी नगराई की मदद से मैंने बोल दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में इसे ठीक कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और एक मस्जिद के पास LED लाइट्स प्रॉब्लम मिल गई, उसे भी बता दिया गया है, उसे भी 2 दिन में इसे ठीक करा दिया। किसी ये गड्ढे रोड पे जो गड्ढे वाली समस्या थी जो बीच में बता रहे थे 3-3 फुट के गड्ढे आ रहे हैं, उसका क्या होगा? उसके लिए वो नगर निगम रिपोर्ट में डाला है, जो सड़क पर गड्ढे हैं। थैंक यू। इनमें किस तरह का जो है आया है कंप्लेन और इसका निस्तारण कैसे किया जाएगा? देखिए आज पीस कमेटी का बैठक कोतवाली अयोध्या में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार था, कल यह बैठक कोतवाली नगर में बड़े स्तर से हुआ था, वहाँ भी मुस्लिम बंधुओं ने और जनप्रतिनिधिगण ने बड़े अच्छे सुझाव दिए, अमल में लाया गया,
उसी आदेश क्रम में आज कोतवाली अयोध्या में हमारे अयोध्या क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण जगह मस्जिद है, ईदगाह है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ के लोग आए थे, मुतवल्ली आए थे और भी हमारे जनप्रतिनिधि आए थे। उन्होंने अपनी सभी समस्याएं बताए, समस्या काफ़ी थी लेकिन मुख्य रूप से नूरी मस्जिद, आत्मा मस्जिद और हमारा बेगमपुरा मोहल्ला जो रास्ता जाता है वहाँ पर गड्ढा वगैरह, ये कुछ समस्या जो जेन्युइन थी समस्या हम लोगों ने नोट किया है। संबंधित विभाग को, हमारे साथ प्रेजिडेंट मजिस्ट्रेट साहब भी बैठे हैं, इन्होंने उसको नोट किया, संबंधित विभाग के नगर आयुक्त महोदय के माध्यम से अवगत भी करा दिया है और इन सभी समस्याओं को एक दो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लग कर इसे दूर कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हमारे अयोध्या क्षेत्र में आज अलविदा का नमाज भी है, कई मस्जिदों में हमारे शिया संप्रदाय के लोग करेंगे, 11 जगह नमाज होना हमारे अयोध्या क्षेत्र में, दर्शन नगर भी क्षेत्र में शामिल है। और इसके मद्देनज़र नमाज अब शुरू हो गया है, 12 बज गया, कई जगह नमाज शुरू होने को है, हर जगह ड्यूटी पहुंच गई है, सभी ड्यूटियां अपने अपने जगह पर अलर्ट है। हम लोग भी अब निकल के हर एक ड्यूटी को चेक करेंगे और जितने समस्याओं को लोगों ने नोट कराया है चल के हम लोग उसे भौतिक रूप से उसका हम लोग निरीक्षण करेंगे और खुद लेकर हम लोग इसे करेंगे। थैंक यू।